खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही है, क्या ही बोलूं मैं यार, आई एम स्पीचलेस। क्या शानदार जगह है ना गाइस। गाइस देखो गुलमर्ग। हे गाइस, तो अभी मैं अपनी हाउस बोट से जा रहा हूँ घाट पे, ठीक है। वहीं पे सामने मेरी बाइक पार्क्ड है अपनी हिमालयन, और उस हिमालयन को लेके अब मैं जा रहा हूँ गुलमर्ग। कैन यू इमेजिन गाइस, वाव, आई कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग। एक से बढ़कर एक हाउस बोट्स हैं यहाँ गाइस, देखो कितने प्यारे व्यूज़ हैं। पर्सियन पैलेस, अब देखो गाइस, है ना, बहुत प्यारा गाइस। यहाँ पर है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस गाइस, कैन यू सी। बहुत शानदार जगह है गाइस। वो सामने है नेहरू गार्डन, है ना, ब्यूटीफुल। चलो ओके गाइस, मैं डल लेक से निकल चुका हूँ गुलमर्ग की तरफ, और शाम तक अपन वापस आ जाएंगे, ठीक है। और आई हैव बीन टोल्ड कि बेस्ट टाइम डल लेक में शिकारा राइड करने का होता है इवनिंग में, 4 बजे के बाद। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और शिकारा राइड करेंगे अपन, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा गाइस, एक से बढ़कर एक हाउस बोट्स हैं यहाँ पे। देखो श्रीनगर के ट्रैफिक से होते हुए हम निकल रहे हैं गुलमर्ग की तरफ। देख लो गाइस, श्रीनगर, अमेजिंग श्रीनगर, इनक्रेडिबल श्रीनगर गाइस। यहाँ से लेना है राइट, फिफ्टी वन किलोमीटर्स मोर गाइस। गाइस यू नो, जब मैं 8 साल पहले आया था श्रीनगर, उसी टाइम मैंने सोचा था यार एक दिन यहाँ पर मैं अपनी बाइक लेके आऊँगा, यू नो, एंड आई विल गो टू ऑल दीज प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूधपत्री। दूधपत्री भी मेरे एजेंडा में है गाइस इस बार, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। जाता है उरी बारामूला, ठीक है, चौकी बल, कुपवाड़ा, सोपोर, और ये रास्ता जाएगा गेटवे टू गुलमर्ग। देखो गाइस, गेटवे टू गुलमर्ग 38 किलोमीटर अहेड क्या बात है। ठंड लगना शुरू हो गई गाइस,
पूरी तरह पैक्ड हूँ मैं उसके बाद भी। तो अभी हम पहुँचे हैं मज़होम, बहुत प्यारी जगह है ये भी, MAZHOM मज़होम। पतरी इधर यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो दूध पत्ती आएगा। अच्छा तो हम श्रीनगर से गुलमर्ग के रास्ते पे जब चलते हैं तो ये गुलमर्ग रोड है, ये मगम, हाँ मगम, मगम से हम लेफ्ट लेंगे तो वो दूध पत्री जाएगा। क्या बात है, अभी हम पहुंचे हैं कुंजर, KUNZER, जो कि गुलमर्ग से 21 किलोमीटर पहले पड़ता है गाइस। वाह क्या शानदार रास्ते शुरू हो गए यार, मौसम भी अच्छा हो रहा है, आसमान एकदम साफ है गाइस और धूप निकली हुई बहुत प्यारी सी। ये देखो गाइस कितनी खूबसूरत जगह है ये, वाह द हेरिटेज एम्पोरियम। Okay, there is a petrol pump. 15 किलोमीटर पहले गुलमर्ग से, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ से यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, वाह। हाँ तो मैं जा रहा था, ये कौन सी जगह है, टेनमर्ग है, और मुझे भाई साहब मिले हैं, आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम इश्फाक है। इश्फाक, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ गाइड हूँ। गाइड है क्या, मतलब गाइड में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप? गुलमर्ग लेके जाएंगे आपको वहाँ पे 5-6 प्लेस घूमने के लिए, हाँ। तो आपकी इच्छा होगी वहाँ से घोड़ा करने की, 2-4 वहाँ पे एक्टिविटीज होती है, लोकल टैक्सी मिलती है वहाँ पे स्टैंड की, आपको गुलमर्ग घुमाएंगे। अच्छा गंडोला के लिए जा रहे हो, आपके पास टिकट है तो आप जा पाओगे, नहीं आपके पास टिकट है तो गंडोला आपका नहीं हो पाएगा। हाँ तो गंडोला तो वहाँ पे टिकट मिल जाती है ना, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, कर सकते हो ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन। अच्छा तो बहुत बढ़िया सर, अगर आप साथ रखना चाहते हो देखिए हमारा, आप आगे भी बोर्ड देख सकते हो। अरे आप बहुत अच्छे आदमी हो यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लाइसेंस रहता है जेएनके, बहुत बढ़िया लाइसेंस है, ये देखिए आप गुलमर्ग, हाँ आपको कोई हमारे आने से हर्ट नहीं करेगा, हाँ वापस आके यहीं पे आपको ये 400 देना है, जब आप गुलमर्ग पूरा घूमोगे तब आपको देना है। चलो आप यहीं पे रहते हैं जी? घर कहाँ आपका? घर यहीं पे लोकल। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, अच्छा थैंक यू। शुरू हुई है वादी गुलमर्ग की, क्या बात है, घाटी शुरू हो गई गाइस, मज़ा आया है। टंग मार्ग, वाह टंग मार्ग में आप, अमेजिंग यार, बताओ यार अभी तो यहाँ से 12 किलोमीटर हो रहा है और रास्ते तो और भी शानदार होते जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बोलें यार, क्या बोलें, क्या बोलें, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग गाइस अमेजिंग। चल थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, देखो गाइस खूबसूरत रास्ते हैं यार,
वाह 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 वाह। खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही है। वाह 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 गुलमर्ग, वाह कश्मीर। क्या ही बोलूं मैं यार, आई एम स्पीचलेस। एंड दिस इज व्हाई आई राइड। हे गाइस, सो अभी गुलमर्ग है यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे गाइस। तो अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। पीछे नज़ारे देखो आप, क्या शानदार जगह है ना गाइस, बहुत प्यारी जगह है। देखो अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो गए, दिख रहे हैं सामने ऊपर। वाह शानदार नज़ारा है गाइस। ठंड भी बढ़ रही है। वाह टूरिस्ट सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। गुलमर्ग हम लगभग पहुँच ही गए हैं। वेलकम टू गुलमर्ग गाइस, अमेजिंग गुलमर्ग। वाह खूबसूरत गुलमर्ग। काफी गाइड्स हैं यहाँ पे। वाह कितनी खूबसूरत जगह है यार। वाह वाह वाह। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग, अमेजिंग गुलमर्ग गाइस। एंट्री ले लिए मैंने, 50 रुपये चार्ज लगा, एंट्री फीस लगी गाइस। ये देखो यार, एक से बढ़कर एक रास्ते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छी खासी ठंड हो रही है यहाँ पे। अरे बस ऐसा लगता है कभी भी बर्फ पड़ सकती है, सीरियसली मैन। अरे 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 वाह, ये देखो गाइस, देखो देखो देखो, वाह इनक्रेडिबल। ठंड लग रही है गाइस, देखो गुलमर्ग।
मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ थेट गोंडोला तक गाइस। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, क्या बात है, गोंडोला भी इधर ही होगा। यस गोंडोला लेफ्ट 1 kilometer only. कितने प्यारे हट्स बने हुए यहाँ पे, होटल हिल टॉप। आइस स्केटिंग रिंक, क्या बात है। कोल्हानी राइड्स, ये अच्छा होटल है गाइस, होटल हिल टॉप। आई लव गुलमर्ग। आप बाइक से आते हो ना गाइस तो डायरेक्ट गोंडोला तक आ जाना। हे गाइस, तो अभी मैंने गुलमर्ग के गोंडोला से मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? गुलमर्ग फर्स्ट लेवल, गुलमर्ग फर्स्ट लेवल जा रहे हैं और यहीं पे मैंने मुझे बहुत अच्छे से एक गाइड मिल गए हैं, इनका नाम है शब्बीर ना? शब्बीर जी, अपने बारे में कुछ बताओ। अभी हमको जाना है फर्स्ट फेज तक, यहाँ से ट्रैकिंग करके फर्स्ट लेवल का टिकट नहीं मिला, टिकट ऑनलाइन बुकिंग होता है सर, इसलिए टिकट नहीं मिलेगा। अब हम ट्रैक करेंगे फर्स्ट लेवल तक, फर्स्ट लेवल पे हम शूट वूट लेंगे सर। क्या बात है, और अपने बारे में कुछ बताओ शब्बीर। मेरा नाम है शब्बीर, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। हमारा गाइडिंग जो है यहाँ का टूरिस्ट लोग को सेवा करना है, हर एक पॉइंट पे लेके जाना है, हेल्प लेना है, देना पड़ता है। और गाइडिंग का हमारा जो गवर्नमेंट रेट है 990 रुपया है, और हमारा ये भाई मिला है, उनको मैंने 90 रुपया छूट दिया और 900 रुपया कंफर्म। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। देखो यार गाइस, यू नो आप कहीं घूमने जाते हो ना, तो अगर साथ में अगर कोई हो, गाइड हो, तो बहुत अच्छा होता है आपका जो ना सफ़र, उसमें चार चांद लग जाते हैं गाइस। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ ना मैं गाइड जरूर लेता हूँ, बढ़िया रहता है। हाँ, वो अच्छे से घुमा देंगे, ट्रैक का मालूम होना चाहिए, ट्रैक भी पता चल जाए। अब ये ट्रैक मैं अकेला नहीं कर सकता जहाँ आप मुझे लेके जा रहे हो ना। जी जी सर, चलो ठीक। जी सर,